वॉचिंग PNP सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बॉडी पॉलिशिंग पैक। ये जो बॉडी पॉलिशिंग पैक है, आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा कि जो भी ब्राइडल लेते हैं वो बॉडी पॉलिशिंग करवाते हैं। अब वो बॉडी पॉलिशिंग तो बहुत कॉस्टली आती है, लेकिन जो आज एक पैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बॉडी पॉलिशिंग से कम नहीं होने वाला है। अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, आपके फेस तो ग्लो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपकी पूरी बॉडी ग्लो करेगी, जो कि एक ब्राइड यानी कि दुल्हन को चाहिए होता है। दुल्हन वाला जो निखार आपको चाहिए वो इस पैक से आपको मिल जाएगा, जो है बॉडी पॉलिशिंग पैक। इस पैक को हमने घर में ही बनाया है, और जिन चीज़ों से बनाया है वो सब कुछ आपके घर में ही अवेलेबल हो जाएंगी। आपको बाहर से ज़्यादा कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि 20 से 21 दिन यानी कि विद इन 3 वीक्स आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करेगी कि सब आपसे पूछेंगे कि आखिर इस निखार का राज क्या है। क्योंकि जब आप दुल्हन बनने वाले होते हैं ना, तो आपको लगता है कि बस कुछ ऐसी चीज़ पता चल जाए जिससे हमारा फेस ग्लो करे, लेकिन हमें केवल फेस को ही ग्लो नहीं करना है, हमें अपनी पूरी बॉडी को ग्लो करना है। बिकॉज ऑन योर वेडिंग डे तो आप चाहते ही हैं कि आप बहुत सुंदर लगें, ठीक है उस दिन मेकअप हो जाता है तो वो लुक आ जाता है, लेकिन आफ्टर मैरिज भी तो आपको ग्लो करना है ना, उसके लिए ये पैक ज़रूर ट्राई करें, बहुत इफेक्टिव है। और अगर आप साबुन से नहाते हैं तो आज ही साबुन को तो डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि साबुन से आपको बिल्कुल भी नहीं नहाना है अगर आप दुल्हन बनने वाली हैं। और ये पैक केवल दुल्हन के लिए नहीं है, अगर आप खुद को और ज़्यादा निखारना चाहती हैं तो आप भी इस पैक को यूज़ कर सकती हैं और सबको अपना दीवाना बना सकती हैं। तो देख लेते हैं कि क्या है ये पैक, किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हैं जल्दी से उसको प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। बॉडी पॉलिशिंग पैक को बनाने के लिए जो पैक मैंने बनाकर रखा हुआ है, सबसे पहले हमने 2 से 3 स्पून वो पैक लिया है, उसमें हमने दही मिक्स किया है, और दही मिक्स करने के बाद आपका ये बॉडी पॉलिशिंग पैक बिल्कुल तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और जब आप इसको अपने फेस पर अपनी बॉडी पर अप्लाई करेंगे ना, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो इससे भी ज़्यादा बढ़िया है। बॉडी पॉलिशिंग पैक को आप बनाकर रख सकते हैं, लेकिन किस तरीके से बनाना है वो आगे आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको किसी भी ब्रश की हेल्प से इस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करना है, और ध्यान रखिए अपवर्ड डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है ताकि आपकी स्किन लूज ना हो। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लूँगी। फेस पर जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो आप इसका कलर देख सकते हैं, जो इसमें येलो कलर आया है वो आया है हल्दी की वजह से, और हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे स्किन में जितनी भी कुछ इन्फेक्शंस होते हैं या फिर कुछ एंटीसेप्टिक की तरह ये वर्क करती है। लाइकवाइज मैंने अपने हाथों पर भी इसको अच्छे से लगा लिया था। हाथों पर लगाने के बाद मैं इसको अपने पैरों पर भी अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जब आप अपने पैरों पर इसको लगाएंगे तो जितनी भी डर्ट है आपकी बॉडी की, डेड स्किन है, वो सब कुछ निकल जाएगी, नई सेल्स इसमें प्रोड्यूस होंगी। और जो चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं ना, जैसे कि हमने इसमें यूज़ किया है सैंडलवुड पाउडर, ये अगर आप लगातार 20 से 21 दिन तक अपने बॉडी पर रोज़ अप्लाई करेंगे तो आपकी बॉडी में से कितना अच्छा सा एरोमा ना स्टार्ट हो जाएगा, कि एक जो नेचुरल प्रेगनेंस होती है ना वो आपकी बॉडी में से आना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ में हमने इसके यूज़ किया है संतरे के छिलके का पाउडर यानी कि ऑरेंज पील पाउडर, जो आपका सब सन टैन रिमूव करता है। और पूरे बॉडी पर अप्लाई करने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि बनाया कैसे है मैंने इस पॉलिशिंग पैक को। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 4 चम्मच बेसन, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच चावल का आटा, साथ में ऐड करूंगी 2 चम्मच चंदन का पाउडर। चावल का जो आटा होता है वो बहुत ही अच्छा स्क्रब का काम करता है, आपकी बॉडी को लाइटनिंग वाइटनिंग करता है। साथ में यूज़ की है कस्तूरी हल्दी, आप सिंपल खड़ी हल्दी लीजिए, उसको मिक्सर ग्राइंड कीजिए और आपकी बेस्ट सबसे शुद्ध हल्दी तैयार हो जाती है। इन सभी को आपस में मिक्स कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर सन टैन को रिमूव करने के लिए, आपके डार्क पैचेस हटाने के लिए ऐड करूंगी यहाँ पर संतरे के छिलके का पाउडर यानी कि ऑरेंज पील पाउडर। ये ऑरेंज पील पाउडर भी मैंने घर में ही बनाया है। इस टाइम संतरे आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगे, उसके जो छिलके होते हैं उन्हें आप धूप में सुखा लीजिए, धूप में सुखाने के बाद मिक्सर ग्राइंड कर लीजिए,
और आपका बिल्कुल शुद्ध ऑरेंज पील पाउडर तैयार हो जाएगा। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। बेसन में जैसे कि आपको पता ही है हमारी स्किन को लाइटनिंग वाइटनिंग करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, चावल आपकी स्किन को लाइट करता है, आपकी बॉडी में से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करता है, साथ में सैंडलवुड पाउडर ठंडक तो पहुंचाता ही पहुंचाता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस को मेंटेन करता है। तो जो भी चीज़ें यूज़ की हैं वो सभी आपकी फेस को बॉडी को ग्लो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो इसको आप बनाकर रख सकते हैं, ये एक महीने तक भी ख़राब नहीं होता है। जब भी आपको यूज़ करना हो 2-3 स्पून लीजिए, उसमें दही मिक्स कीजिए और आपका पैक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जब ये हल्का हल्का सा ड्राई हो तब आप इसको स्क्रब करते हुए निकाल दीजिए। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बत्ती टाइप की सी निकल रही हैं। जितनी भी हमारी स्किन में गंदगी होती है वो सब कुछ इस तरीके से रिमूव हो जाती है। और अगर आप इसको डेली यूज़ करते हैं, नहाने से आधा घंटा पहले आप अपनी बॉडी पर, अपने फेस पर, सब में इसको लगा लीजिए। उसके बाद इसको स्क्रब करते हुए इस तरीके से निकालिए और उसके बाद जाकर आप बाथ ले सकते हैं। आपको ज़्यादा गर्म पानी का भी यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखिए विंटर सीज़न है, लेकिन आपको ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो आप जब भी नहाएं थोड़ा कम गर्म पानी हो उसी से आपको नहाना है। अपने फेस पर से भी इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अगर ये ज़्यादा ड्राई हो जाता है तब आपको हल्का सा पानी लेकर तब इसको स्क्रब करते हुए अपने फेस से, अपने हैंड्स, अपने लेग्स से निकाल लेना है। और जब आप इसको क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे आपके फेस में एक इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, आपकी स्किन इंस्टेंट ब्राइटनिंग लगने लग जाती है। और ये फर्क तो आपको केवल फर्स्ट टाइम के यूज़ से पता चल जाएगा। और अगर आप इसको कॉन्टीन्यूसली 3 वीक्स तक यूज़ करते हैं, मीन्स अगर आप दुल्हन बनने वाली हैं और आप प्री ब्राइडल की सोच रही हैं, तो प्री ब्राइडल में इस बॉडी पॉलिशिंग को भी ऐड कर दीजिए। फिर आप जो देखेंगे ना, आपकी स्किन में जो एक निखार आएगा, जो ग्लो आएगा, एवरीवन विल आस्क यू कि आखिर ऐसा लगाया क्या था कि जिससे आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। क्योंकि जो भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो सब कुछ नेचुरल हैं, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होने का बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन स्किन में जो निखार आएगा, ग्लो आएगा, वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसको 1 हफ्ते भी ट्राई करेंगे ना तब भी आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए आज का ये वाइटनिंग ब्राइटनिंग बॉडी पॉलिशिंग पैक आपको कैसा लगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और DIYs के साथ। अंटिल देन टाटा बाय बाय।